हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज संजीव एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक फिर से फर्जी लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करके दिखाने जा रहा हूं। ये बिल्कुल नया लेटेस्ट फर्जी लोन एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है और आप सभी लोगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से इसके बारे में बता रहा हूं। अगर आपको लोन लेना है और उसको कभी नहीं चुकाना है, सिर्फ आपको अपने आधार कार्ड पैन कार्ड सेल्फी से लोन लेना है, तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। साथ ही में गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो फेक लोन एप्लीकेशन है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों को फेक लोन एप्लीकेशन वाले कभी का बहुत परेशान किए हैं, बहुत प्रताड़ित किए हैं, 5,000 का लोन देके 50,000 रुपए उनसे ऐंठे हैं, उनको ठगे हैं, उनको हरास किए हैं, उनके साथ हरासमेंट हुआ है, उनको परेशान किया गया है, उनका कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करके गाली गलौज किए हैं ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले। तो गाइज, अगर आप किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से परेशान थे, पीड़ित थे, या फिर पीड़ित हो, परेशान हो, तो इस लोन एप्लीकेशन से आप फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के लोन ले सकते हो और अपना थोड़ा बहुत पैसा रिकवर कर सकते हो, या फिर ये कह लें कि आप बदला ले सकते हो फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों से। गाइज, इनके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से इनको फंडिंग आता है, ब्लैक मनी का भी पैसा इनका लगता है। लोन जो ये आपको देते हैं ज़्यादातर ब्लैक मनी रहता है। गाइज, मैं आपको बता दूँ कि इन लोगों को लूटने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग कभी किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लिए हैं, वो बिल्कुल ऐसे फर्जी लोन एप्लीकेशन के चक्कर में ना पड़े, ना ही ऐसे लोन एप्लीकेशन को लूटने की कोशिश करें, क्योंकि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड इनके पास चला जाता है। जिनका आधार कार्ड पैन कार्ड पहले से जा चुका है, सिर्फ वही लोग ऐसे फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए अप्लाई करें, ठीक है। अब आप मेरा वीडियो देख के कभी का लोन नहीं लियो किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से, लेकिन आप चले जाओगे लेने, तो ऐसा काम मत करना। जो लोग पहले से फंसे हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन के चक्कर में, सिर्फ वही लोग ऐसे एप्लीकेशन से लोन लें। बाकी आधार कार्ड पैन कार्ड फर्जी लोन एप्लीकेशन के पास आपका चला गया है तो क्या करना है, प्रॉपर वीडियो मैं यूट्यूब पे बनाया हूँ, मेरे इसी चैनल पे आप चेक कर सकते हो। चलिए, अब मैं सीधे लेके चलता हूँ प्ले स्टोर पे और आपको दिखाता हूँ इस फर्जी लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं इसी एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कितना नया एप्लीकेशन है। 28 अप्रैल 2023 को ये एप्लीकेशन रिलीज़ हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, रिलीज़ ऑन 28 अप्रैल 2023। आप लोग में से कुछ लोग कहते हैं कि सर, आप पुराने लोन एप्लीकेशन के बारे में ही बता देते हो, ठीक है। तो गाइज़, यहाँ पे देख लो, पूरा आपको दिखा रहा हूँ तारीख कि किस तारीख को ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। काफ़ी नया लोन एप्लीकेशन है और अपडेट हुआ है 15 जून 2023 इसी जून में, ठीक है, ये अपडेट हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये एप्लीकेशन कितना बड़ा फर्जी है, फेक है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है, यहाँ से आप ले सकते हो 80,000 रुपये तक का लोन, ठीक है। मिनिमम 2,000, मैक्सिमम 80,000, ठीक है। और मिनिमम टेन्योर 91 डेज, मैक्सिमम 365 डेज, मतलब कि एक साल का। लेकिन गाइज, ऐसा कुछ नहीं है, ये एप्लीकेशन आपको 8 से 10,000 का लोन देगा मिनिमम अगर आप पहली बार ले रहे हो तो। बाकी आप जैसे जैसे लेते जाओगे आपको अच्छा खासा लोन मतलब दे देगा। लेकिन गाइज, ये फेक लोन एप्लीकेशन है, कभी भी आपको 91 डेज से लेकर 65 डेज तक का, 365 डेज तक का टेन्योर नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ ये आपको 15 दिन का लोन देगा, ठीक है। 15 दिन में आपको लोन चुकाना रहेगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, लोन अमाउंट मिनिमम 2,000, मैक्सिमम 80,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। 91 डेज से लेके यहाँ पे 365 डेज तक का टाइम मिलता है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है, फेक लिखा हुआ है गाइज। ये आपको टाइम देगा ये लोन एप्लीकेशन, बहुत देगा तो सिर्फ 7 दिन, और उससे ज़्यादा देगा तो 15 दिन, उसके अलावा नहीं देगा। ये फेक लोन एप्लीकेशन है, अपने ट्रैप में फंसाने के लिए ये बस अपने अबाउट सेक्शन में ऐसा लिखा है, क्योंकि ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले होते हैं, ये किसी भी NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का अबाउट सेक्शन कॉपी कर लेते हैं, देन अपने में सेम टू सेम छाप देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट APR, एनुअल परसेंटेज इंटरेस्ट रेट की बात करें तो मिनिमम 16%, मैक्सिमम 30%, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। कभी भी NBFC लोन एप्लीकेशन भी इतना कम इंटरेस्ट रेट नहीं लेता है साल का। तो गाइज, ये भी फेक लिखा गया है कि आप कम इंटरेस्ट रेट देख के आएँ और ये आपको फंसाएं। ट्रांजेक्शन फीस यहाँ पे 0 रुपये, प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे मिनिमम 0%, मैक्सिमम 10% है, ठीक है। ऑफ द लोन अमाउंट का ही होगा, जितने का भी लोन होगा, यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन जितने का लोन होगा उसका 10% होगा। लेकिन ये तो फेक लोन एप्लीकेशन है, हमें लोन लेके देना थोड़ी ना है, ओके। बाकी गाइज, यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने एग्जांपल वगैरह दे के समझाया है कि आपको अगर ये 50,000 का लोन देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 22% का लगेगा, ठीक है। इतना प्रोसेसिंग फीस लगेगा, 1,250 रुपये 12 महीने के लिए आपको लोन मिलेगा। ये गाइज, ये सब बिल्कुल फेक है, बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। ये आपको 50,000 का लोन कभी नहीं देंगे, ये आपको लोन देंगे तो वही आपको देंगे मिनिमम 5,000, मैक्सिमम बहुत देंगे तो 10,000।
यहाँ पे देख लीजिए लोन अमाउंट 50,000, 22% पर एनम का इंटरेस्ट रेट, 12 महीने के लिए लोन मिलेगा। इंटरेस्ट आपको इतना देना है, प्रोसेसिंग फीस इतना देना है, इतना आपको बैंक में डिस्बर्स किया जाएगा, इतना आपको टोटल रिपेमेंट करना है, इतना प्रोसेसिंग फीस लगेगा, ये सब कुछ देख सकते हो। सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड सेल्फी, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम सैलरी आपका मंथली 18,000 होना चाहिए, लेकिन गाइस कुछ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही लिखे हैं, ये फेक लोन एप्लीकेशन वाले हैं, अभी मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो गाइज यहाँ पे आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आप सैलरीड होने चाहिए, आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए कम से कम, मिनिमम आपका मंथली सैलरी जो है वो 18,000 पर मंथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइज, कुछ नहीं, आप सैलरीड नहीं हो, आपकी सैलरी 18,000 पर मंथ नहीं है, फिर भी आपको ये लोन दे देंगे, क्योंकि कहीं यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप आपको नहीं देना है और ये फेक लोन एप्लीकेशन है। हालांकि ये अपने आपको NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन बताया तो है, बट ये है नहीं, ठीक है। यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर है, यहाँ पे इनका मेल है। अब बात कर लेते हैं अबाउट सेक्शन की, तो यहाँ पे कैमरा, लोकेशन, फ़ोन, SMS, अदर, आपसे कॉन्टैक्ट का परमिशन ये एप्लीकेशन नहीं मांग रहा है, बट गाइज मैं आपको बता दूं कि जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट का परमिशन लेगा ही लेगा, और आपके SMS का भी परमिशन ले रहा है, फ़ोन का परमिशन तो ले ही रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज ये आपको परेशान करने वाला है, बाकी मेरे नज़र में फेक लोन एप्लीकेशन है, एक बार आप भी क्रॉस चेक करिएगा, देन आप लोन के लिए अप्लाई करिएगा, क्योंकि गाइज सिर्फ आप मेरा वीडियो देख के लोन के लिए अप्लाई कर दोगे तो वो भी ठीक नहीं है। बाकी अब मैं इसका आपको नाम बता देता हूँ, तो गाइज इसका नाम है रुपी ऐप पर्सनल लोन ऐप, रुपी ऐप पर्सनल लोन ऐप, 4.5 की रेटिंग है, 100K+ इस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स हैं, 4.5 की रेटिंग है, 100K+ इस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स हैं, और ये बिल्कुल पेड रेटिंग है इसका, ठीक है। यहाँ से CEO रिव्यूज़ करके आप रिव्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हो। यहाँ आप देख लो स्टार्टिंग में ही दिख गया वेरी बैड एप्लीकेशन, ठीक है, दे आर ब्लैकमेलिंग, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, वेरी बैड रीपेमेंट मेथड, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, बेस्ट ऐप, यहाँ पे ये बेस्ट ऐप जो है ये पेड है, इट्स अ अमेजिंग ऐप, इट्स एन अमेजिंग ऐप, यहाँ पे देख लीजिए फास्ट एंड इजी डॉक्यूमेंटेशन एंड फास्ट अप्रूवल, ये फेक रिव्यू है। अब आपको जानना है कि ये फेक है कि नहीं, तो क्रिटिकल रिव्यूज़ में आते हैं। सो गाइज आप यहाँ पे देखो, दिस लोन ऐप इज़ टोटली फ्रॉड, डोंट इंस्टॉल दिस ऐप, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलेंगे, ओनली डाटा कलेक्शन, यहाँ पे देख लीजिए, वेरी बैड एप्लीकेशन, डोंट इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, वेरी बैड एप्लीकेशन, लोन देखिए, लोन रिपेमेंट 7 डेज एंड डाटा शेयर कर रहा है, डाटा शेयर कर रहा है मतलब आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह शेयर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए फेक ऐप, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, फेक एंड फ्रॉड ऐप, नो लोन रिक्वायर्ड, ओनली डाटा कलेक्शन, यहाँ पे देख लीजिए, दिस एप्लीकेशन इज फेक, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, नॉट गुड, टाइम वेस्ट ओनली, मतलब ये फेक लोन एप्लीकेशन है, बिल्कुल फेक लोन एप्लीकेशन है। अगर आपको लोन चाहिए इस एप्लीकेशन से ले सकते हो, मैं फिर बोलूँगा वही लोग लोन लें जो कभी का किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेके फंसे हैं। अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत भी सही है तो आपको ये एप्लीकेशन लोन दे देगा, जिनको लोन नहीं दिया है उनका हो सकता है सिविल स्कोर सही ना हो, तो फेक लोन एप्लीकेशन है, लोन लेना होगा तो ले लेना गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी यही था आज के इस वीडियो में, आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम भाई लोग।